तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी यूट्यूब शॉर्ट्स को डिलीट करना चाहते हैं, हमेशा के लिए रिमूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिससे कि दोस्तों आप अपने यूट्यूब शॉर्ट्स को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं, परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या, सबसे पहले यूट्यूब को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ एंड यूट्यूब को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखाई देगा, आपको सिंपली अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है एंड प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरल का, आपको सिंपली जनरल पे क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा प्ले बैक इन फीड्स का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको ऑफ कर देना है एंड ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है एंड बैक आने के बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है एंड मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्स का, किसी किसी में एप्स मैनेजमेंट का ऑप्शन रहता है, तो आपको सिंपली एप्स पे क्लिक कर देना है एंड एप्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जितने भी एप्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले यूट्यूब को ढूंढ लेना है एंड ढूंढने के बाद आपको सिंपली उसको ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टोरेज एंड कैश का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लियर कैश का, आपको सिंपली क्लियर कैश पे क्लिक कर देना है एंड इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है एंड बैक आने के बाद दोस्तों आपको फिर से यूट्यूब को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे फिर से यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ एंड यूट्यूब को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे शॉर्ट्स के सेक्शन में आ जाना है जहाँ से आप शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं शॉर्ट्स के सेक्शन में आ चुका हूँ जहाँ से शॉर्ट्स वीडियो दिखाई देता है। अब आपको करना क्या है कि आपको हर शॉर्ट्स के ऊपर आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से आपको फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही दोस्तों आपको 9 से 10 बार थ्री डॉट पे क्लिक करके नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर देना है एंड जैसे आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से शॉर्ट्स यहाँ पे हट चुका है, शॉर्ट्स रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब को रिफ्रेश करके आपको फिर से दिखा देता हूँ कि मेरा यहाँ पे शॉर्ट सेक्शन हमेशा के लिए रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूट्यूब को फिर से ओपन कर लेता हूँ एंड यूट्यूब को ओपन करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे कितने देरी से यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, बट दोस्तों आपको यहाँ पे शॉर्ट्स का सेक्शन नहीं दिखा है, कोई भी आपको यहाँ पे शॉर्ट्स का सेक्शन नहीं दिखा है, शॉर्ट्स का ऑप्शन नहीं दिखा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप शॉर्ट सेक्शन को हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।